तो कल है करवा चौथ और सब जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत जो है वो मैरिड वीमेन जो है वो अपने हस्बैंड्स के लिए रखती हैं उनकी लंबी उम्र के लिए उनके गुड हेल्थ के लिए और प्रॉस्पैरिटी के लिए सो so, जो प्यार है वो बना रहे पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उठते हैं बहुत सारी क्यूरियोसिटी आजकल का यूथ है कि ऐसा कैसे होता है एक के व्रत रखने से दूसरे की उम्र कैसे लंबी हो जाती है सो विल टॉक अबाउट इट हाई एवरी वन दिस इज गीतिका भाटिया व्रत जिसकी कनेक्ट uh, होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर uh, बहुत जबरदस्ती व्रत रखना होगा और जब जबरदस्ती करते हैं किसी भी चीज के लिए फोर्सफुली करते हैं तो वो उतने अच्छे से हो नहीं पाती तो क्या होता है कि हर एक चीज़ जैसा हम जानते हैं कि एनर्जीज़ हैं फीलिंग्स हैं जो भी फेस्टिवल है ना वो फीलिंग है अगर हम उसको फीलिंग समझ के एनर्जी समझ के करते हैं तो वो हम बहुत अच्छे से निभा पाते हैं और बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट कर पाते हैं सो so, करवा चौथ ठीक है इट्स अ इट्स एन ओकेजन इट्स अ फेस्टिवल ये एक व्रत है हिंदू मान्यताओं के अकॉर्डिंग इसके लिए बहुत सारी कथाएं हैं जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं लेकिन आजकल का यूथ जब ये समझता नहीं है कि क्यों ऐसा कैसे सो देखिए एनर्जीज आर एवरीवेयर एंड एवरी थिंग इज एनर्जी हर एक चीज एनर्जी है जब हम किसी के लिए प्रे करते हैं वो भी एनर्जी के फॉर्म में होती है जब हम भगवान से कोई चीज मांगते हैं उनके सामने प्रे करते हैं वो भी एनर्जी होती है जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं कि वो ठीक हो जाए वो भी एक एनर्जी है सो so, यहाँ पे बात एनर्जीज फीलिंग्स फेथ एंड लव की हो रही है तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हजबेंड्स हैं वो भी अपनी वाइफ्स के लिए उतना ही इक्वली अपना लव शो करने के लिए एक्सप्रेस करने के लिए उनके लिए फास्ट रखते हैं अब यहाँ भी थोड़ी सी ट्रोलिंग होती है कि ये क्या मतलब है ये तो सिर्फ मैरिड वीमेन के लिए जो है ओकेजन है या व्रत है क्यों हजबेंड्स रख रहे हैं सो so, पहली बात ये उनकी फीलिंग है ये उनका जेस्टर है ये उनका एक्सप्रेस करने का वे है अगर वो रख रहे हैं और जो लोग नहीं रखते हैं जो हस्बैंड्स नहीं रखते हैं तो प्लीज उनको फोर्सफुली ना रखवाया जाए क्योंकि इट्स इट्स नॉट नेसेसरी कि जब तक वो आपके लिए व्रत नहीं रखेंगे आप ही की तरह तब तक वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकते लव ऐसा नहीं है वो किसी और फॉर्म में आपके लिए अपना यू you नो know, प्यार दिखाना चाहते हैं या दिखाते हैं या जो भी अपने जेस्टर्स के अकॉर्डिंग या फिर वो सारी चीजें वो आपकी जो केयर करते हैं जो आपकी आपका ध्यान रखते हैं आपके लिए सारा दिन आ, कुछ भी काम कर कर आते हैं आपके लिए कुछ पूछते हैं आपको या आपकी पसंद का ध्यान रखते हैं बहुत सारी चीज़ें आई मीन इट्स एंडलेस लिस्ट इज एंडलेस ज़रूरी नहीं है कि व्रत रखने से ही उनका जो प्यार है वो आपके लिए शो हो पाएगा सो so फोर्सफुली नहीं करवाना चाहिए डेफिनेटली बट अगर कोई रख रहा है तो उसको ट्रोल भी नहीं करना चाहिए एंड टिल द टाइम यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि इट्स अ फीलिंग इट्स एनर्जी एंड ये एक्चुअली वर्क करता है क्योंकि हम जिसके लिए व्रत रख रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ हम सोच कर कि ऐसा हो ये भगवान आप इनकी उम्र लंबी करें आप इनको हेल्दी रखें उसी तरह से हस्बैंड्स भी सोच कर जब अपनी वाइफ्स के लिए रखते हैं सो वो जो बॉन्डिंग है जो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है सो दिस इज़ द वे आजकल जो लोग हैं आजकल की जो जनरेशन है वो इस तरह से सेलिब्रेट करे और इसमें कोई हार्म नहीं है बिल्कुल भी कोई हार्म नहीं है एंड विद दिस हम सब जानते हैं कि चंद्रमा की ही क्यों यहाँ पे बात होती है चंद्रमा को देख के अर्ध दिया जाता है रात को ठीक है और माँ पार्वती शिव जी और गणेश जी और कार्तिकेय इन चारों की पूजा होती है गणे शिव और पार्वती इनकी जोड़ी इनकी बातें इनकी कथाएं हमने सुनी है किस तरह से वो एक दूसरे को पूरा करते हैं राइट right? सो so, यहाँ पे बात होती है शिव और शक्ति की तो वही वाली जो बॉन्डिंग है वही वाली जो स्ट्रेंथ है आपके रिलेशनशिप में वो आती है जब आप ये फास्टिंग करते हैं ये पूजा सुनते हैं कथा सुनते हैं और जब चंद्रमा की बात आती है तो हम सब जानते हैं कि शुरू से हमेशा से जब से ये वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है जब बात होती है चंद्रमा की तो औरतों की सुंदरता फीमेल्स की जो ब्यूटी है उसकी तुलना की जाती है चाँद से और आज की रात जब चाँद निकलता है तो बोला जाता है कि बहुत सो सोलह सिंगार किए जाए अच्छा सा मेकअप किया जाए बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल लग के आपकी तुलना जो है वो चाँद के साथ की जाती है और चाँद के साथ खड़े होकर चाँद को देख कर आप अर्थ देती हैं और अपने हस्बैंड को पानी पिलाती हैं और वो आपको जल पिलाते हैं सो so, इस तरह से ये व्रत खुलता है तो ये एक बहुत ही ब्यूटिफुल बात है और इस बार न्यूमरोलॉजिकली uh, भी ये जो दिन है ये जो डेट है ये पड़ रही है ट्वेंटियथ को सो टू नंबर जो है वो मून रूल करते हैं उसको तो देखेंगे आप बहुत सारा लव रोमांस ब्यूटी एवरीथिंग विल बी इन द एयर एंड आई आई विश कि आप सभी का ये जो करवा चौथ है वो बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लाए बहुत सारी स्ट्रेंथ आपके रिलेशनशिप में आए और बहुत सारा प्यार थैंक यू सो मच स्टे ब्लेस्ड